Welcome friends, welcome to 18 June 2020 Current Affairs Express, Study Express Learning Ladies, आज की ताजा खबर में हम लोग फिर से कुछ important concepts और news लेकर के आए हैं, इन concepts को detail में भी हम लोग लेकर आएंगे, पहले तो basic चीजें जानना, रोज क्या हो रहा है, कितना कुछ news में है और क्या ऐसी चीजें news में है जो मुझे जाननी चाहिए और मैं नहीं जानता हूँ, पहला है KISCE, ये क्या है, ये हमारा एक sports का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स के लिए एक इस तरह की वो फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही हैं एस्टैब्लिश टू स्ट्रेंथन इंडियाज परसूट फॉर एक्सेलेंस इन ओलंपिक्स ओलंपिक्स में एक्सेलेंस हो और दूर तक गांव-गांव तक खेल को बढ़ावा मिले इसके लिए KISCE कांसेप्ट बनाया गया वन KISCE विल बी एस्टैब्लिश्ड आइडेंटिफाइड इन ईच स्टेट एक स्टेट में एंड हर एक स्टेट हर एक यूनियन टेरिटरी में एक KISCE बनाया जाएगा KISCE विद एन एफर्ट टू क्रिएट अ रोबस्ट स्पोर्टिंग इकोसिस्टम इन द एंटायर कंट्री ठीक है ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले और हमारा जो खेलने की परंपरा रही है उस परंपरा को हम फिर से अडॉप्ट कर सकें इन द फर्स्ट लाइक द मिनिस्टर हैज मिनिस्ट्री हैज आइडेंटिफाइड स्टेट ओन्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जितने भी स्टेट ओन्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं एट स्टेट्स में लाइक कर्नाटका उड़ीसा केरला तेलंगाना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे मणिपुर अरुणाचल प्रदेश मिजोरम नागालैंड वहाँ की जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं स्टेट ओन उनको अपग्रेड करेंगे इनटू KISCE KISCE में बना करके उनको और डेवलप करेंगे ये खेलो इंडिया स्कीम के अंदर भी आएगा दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द सेंटर उस सेंटर का पूरा मैनेजमेंट KISCE करेगा इंक्लूडिंग बोर्डिंग लॉजिंग एंड मेंटेनेंस वाइल फंड्स फॉर एक्सपर्ट कोच सपोर्टिंग स्टाफ इक्विपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी एक्सटेंडेड थ्रू द खेलो इंडिया स्कीम के तहत ये सारा आपको फैसिलिटी दिया जाएगा अच्छा अभी ये KISCE का कांसेप्ट ये भी KISCE गया तो अब आ गया KISCE काइसोंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का ताजमहल था कहा जाए उनके बीच जो थोड़ा बहुत प्रेम कभी उपजा था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में उसका उसकी एक विरासत थी काइसेंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कभी एक छोटा सा प्रेम हुआ था उन दोनों के बीच में तो इन्होंने ये ताजमहल बनाया था काइसेंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या था ये द काइसेंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इनसाइड नॉर्थ कोरिया ये नॉर्थ कोरिया में बना है जस्ट अक्रॉस द डीमिलिट्राइज जोन अभी बताऊंगा कि ये डीमिलिट्राइज जोन ऐसा जोन दोनों के बीच में बफर का काम करता है साउथ कोरिया हैज सेड दैट द पर्पस ऑफ KISCE वाज टू डेवलप एन इंडस्ट्रियल पार्क वहां डेवलप किया जाए वेयर साउथ कोरियन कंपनीज कुड मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स यूजिंग नॉर्थ कोरियन लेबर यानी नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया का इन्वेस्टमेंट और वहां से ग्रोथ करने की बात की गई थी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था लेकिन अभी क्या किया गया कि किम जोंग की बहन ने उसको उड़ा दिया पूरे एरिया को ब्लास्ट करवा दिया यानी ये गुस्से में साउथ कोरिया को गुस्सा दिखाने के चक्कर में इन्होंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि वो ताजमहल जो बनाया था उन्होंने वो उन्होंने नष्ट कर दिया KISCE इज अ ड्यूटी फ्री जोन एंड देर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ फॉरेन करेंसी और क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर केवल नॉर्थ कोरिया का नहीं नॉर्थ कोरिया की नहीं सारी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया सभी की इसमें करेंसीज यूज हो जाती है नो वीजा इज रिक्वायर्ड टू एंटर कॉम्प्लेक्स उस कॉम्प्लेक्स में घुसने के लिए किसी भी वीजा की जरूरत नहीं है अपन बड़ा अच्छा कंसेप्ट था वो इट इज वन ऑफ द जैसे SEGs होते हैं उस तरह से इन्होंने उसको प्रमोट करने की कोशिश की कि एक हम लोग के बीच में कुछ एक कॉमनलिटी डेवलप करे जिससे कि आगे चल के हम दोनों की डिपेंडेंसी बढ़ेगी और हम लोग के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे पर रिश्ते अच्छे तो हुए नहीं बुरे हो गए और इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को उन्होंने एकदम से उड़वा दिया और इवन अब कह रहे हैं कि हम डीमिलिटराइज जोन जो है आपका DMZ है उसमें भी हम घुस करके अपनी सैनिक पोस्ट करेंगे इट इज वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ पीसफुल एंगेजमेंट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया यानी उनके प्रेम का ये आखिरी निशानी उन्होंने नष्ट कर अब आते हैं डीमिलिटराइज जोन में DMZ क्या है रिसेंटली नॉर्थ कोरिया कहता है कि दे थ्रेटन टू सेंड ट्रूप्स टू DMZ कि हम DMZ में अपनी सेना भेजेंगे अरे भाई क्यों भेजोगे भाई शांति से रह लो ना यार चैन से जी लो जीना है तो DMZ इज अ रीजन इन द कोरियन पेनिनसुला कोरिया का जो पेनिनसुला है उसमें ये रीजन है दैट डिमार्केट्स नॉर्थ कोरिया फ्रॉम साउथ कोरिया मतलब दोनों के बीच का वो बफर का जो एरिया 2 किलोमीटर वाइड का उसको DMZ कहा जाता है क्या कहा जाता है अरे यार तुम अभी मत आओ तुम्हारा नंबर बाद में आएगा DMZ स्ट्रेचिंग कोस्ट टू कोस्ट अक्रॉस पेनिनसुला तो DMZ अरे भाई एक जोन अभी रुक जा इट रफली फॉलोज लैटिट्यूड 38 नहीं यार नॉट अगेन इट रफली फॉलोज इसको माय गॉड एक मिनट एनीवेज पेन का काम नहीं है पेन को छोड़ अच्छा ये
डिमोनेटाइज जोन। तो डीएमजेड को क्या किया गया कि अभी थ्रेटन किया है नॉर्थ कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने थ्रेटन किया कि डीएमजेड को नष्ट कर देंगे और हम वहां पे घुस जाएंगे, हम अपने ट्रूप्स को वहां पोस्ट करेंगे। ये 2 किलोमीटर का बफर जोन छोड़ा गया है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, दोनों इस पेनिनसुला में ये एक बफर जोन है जहां से 38 डिग्री लैटिट्यूड पास करता है, इसको 38 पैरेलल भी कहा जाता है। ठीक है, द ओरिजिनल डिमार्केशन लाइन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये लाइन खींची गई थी और ये बफर जोन बनाया गया था ताकि थोड़ा सा सिक्योरिटी रहे दोनों में, 2 किलोमीटर का एक दायरा बनाया गया। डीएमजेड वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ सीज़फ़ायर नेगोशिएशन बिटवीन यूनाइटेड नेशन एंड कम्युनिस्ट फोर्सेस। एक्जोन बहुत देर से ये चपटा रहा था, आने के लिए आ गया। एक्जोन ये क्या है भैया, खाने की चीज है ना, इसलिए जल्दी आ गया, चटनी है अचार है इसलिए आ गया। एक्जोन क्या है, एक्जोन अभी फेमस क्यों है, अभी न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए कि भैया एक फिल्म आई है एक्जोन ए रेसिपी फॉर डिजास्टर, ये नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई है। लेकिन एक्जोन असल में होता क्या है, इसको अक्विनी भी कहा जाता है, एक्जोनी या एक्विनी कहा जाता है, इज अ फर्मेंटेड सोयाबीन ऑफ नागालैंड। ये क्या है, फर्मेंटेड सोयाबीन ऑफ नागालैंड, नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव फ्लेवर एंड स्मेल। इसके अपने फ्लेवर और अपने स्मेल की वजह से ये फेमस है, इससे भी अचार बनता है, चटनी बनता है, जो कि पोक फिश चिकन बीफ एक्सेट्रा में वो लोग खाने में इसको यूज करते हैं। एक्जोन इज प्रिपेयर्ड एंड ईटन अक्रॉस नागालैंड बट इट्स इज पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग द सुमी, सुमी जो सेमा ट्राइब है इनका, सुमी ट्राइब, उसको सेमा ट्राइब भी कहा जाता है, उनमें ये बहुत पॉपुलर है। देयर आर टू वेज ऑफ बेकिंग एक्जोन, आइदर ड्राई और लाइक ए पेस्ट, या उनको ड्राई खाते हैं या पेस्ट की तरह खाते हैं उसको। तो अभी न्यूज में क्यों भैया, या नेटफ्लिक्स पे फिल्म आई इसकी वजह से, लेकिन एक्जोन होता क्या ये जानना बहुत जरूरी था। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं एक्जोन इज दिस, एक्जोन इज दैट, एक्जोन इज दैट। अच्छा, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने 750 मिलियन दिया है लोन दिया है किसको, इंडिया को। किस लिए दिया है, COVID-19 से फाइट करने के लिए, इसमें चाइना भी आप याद रखिएगा। इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस के लिए ये प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए AIIB ने यह लोन दिया है। इट इज को फाइनेंस विद एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द बजटरी सपोर्ट विल बी towards bolstering economic aid for business including for informal sectors. ठीक है, इन सब कामों के लिए AIIB's sovereign loan to India that have already been approved amount to 3.06 billion. इतना लोन पहले भी दिया गया है, including a recent 500 million COVID-19 emergency response. पहले 500 दिया गया था, 750 और दिया गया है। India is a founding member and the second largest shareholder after China in AIIB. Asian Infrastructure Bank को बहुत use किया है China ने लोगों को डेफ्ट ट्रैप में फंसाने के लिए। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो सिक्किम में है उनके लिए गुड न्यूज है कि उनको 10% का जो कोटा था वो अवेल करा दिया गया है। इन सिक्किम द स्टेट कैबिनेट डिसाइडेड टू अलाउ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल हु डू नॉट फॉल इन द रिजर्व कैटेगरी ऑफ SC/ST/OBC फॉर 10% सेंट्रल रिजर्वेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट का 10% रिजर्वेशन उनको अवेलेबल हो गया है। किसको दिया जा सकता है, person having an annual family income of less than 8 lakh rupees का, कितना 8 lakh rupees से कम जिसका income है उसको दिया जा सकता है, या less than 5 acres of land or less than 1000 square foot residential flat in the municipal area or less than 100 square yards of property in the panchayat area or less than 200 square yard of residential plot outside municipal area. The reservation will not apply to technical and scientific post and other such post which are outside the, जहां पे specialization लगेगा वहां पर apply नहीं होगा। जहां पर ऐसा central services में directives आता है कि वहां नहीं हो सकता, वहां नहीं होगा। तो ये कुछ दिन पहले central government ने 2019 में मार्च के महीने में इसको notify किया था EWS के बारे में, जो कि बाद में जून में ही implement हुआ। बायो रेमेडिएशन क्या है, बायो रेमेडिएशन का यूज किया जा रहा है, एक प्रोसेस है जो कि जनरली ऑयल स्पिल को कंट्रोल करने के लिए या इस तरह के कंटेमिनेशन जो होते हैं, एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया। इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, किस लिए, ताकि उस ऑयल स्पिल को खत्म किया जा सके या उस पॉल्यूटेंट को खाया जा सके। ये लोग बायो रेमेडी के रूप में यूज करते हैं। अभी कहा बागजन में आग लगी, वहां पे बहुत सारा फॉरेस्ट, बहुत सारा कार्बन फॉरेस्ट जला है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारा ऑयल स्पिल हुआ है, जिसकी वजह से उस एरिया में पूरा एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन हो गया है। तो उस कंटेमिनेशन को खत्म करने के लिए बायो रेमेडिएशन प्रोसेस चालू किया गया, इसलिए ये न्यूज में है। ये आपके एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस और प्री दोनों में इंपॉर्टेंट है। बायो रेमेडिएशन इज अ प्रोसेस दैट यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम्स टू ट्रीट पॉल्यूटेड साइट्स
फॉर रिगेनिंग देयर ओरिजिनल कंडीशन। बायोरेमेडिएशन में क्या करते हैं, बायोरेमेडिएशन ऑफ स्लज इज बीइंग डन इन बागजन नेचुरल गैस वेल दैट रिसेंटली कॉट फायर इन असम। इट यूजेस नेचुरली ऑकरिंग बैक्टीरिया एंड फंगे और प्लांट्स टू डिग्रेड और डिटॉक्सिफाई सब्सटेंसेस हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ और द एनवायरमेंट। तो बायोरेमेडिएशन इज अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एम्प्लॉइंग द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू रिमूव कंटामिनेंट pollutants and toxins from the soil and water. ठीक है, next point, NCPOR. NCPOR क्या है? National Center for Polar and Ocean Research. NCPOR study revealed that Arctic sea ice saw largest decline in 41 years in July 2019. यानी Arctic sea में ice नहीं बना या कम बना, बहुत decline हुआ या पिघल गया. This study is important as Arctic sea ice is a sensitive indicator of climate change. अगर वहाँ ice पिघल कर रही है तो जितना तेजी से वहाँ पिघलेगी water level उतना तेजी से rise करेगा और sea rise करने से बहुत सारा area आपका submerge कर जाएगा। तो NCPOR की ये alarming report है, established an autonomous R&D institution of Ministry of Earth Science is responsible for research activities in polar and south ocean realms. It is also mandated for management and upkeep of Indian Antarctic research bases. Antarctic हमारे research bases हैं, कौन-कौन से हैं? मैत्री है, भारती है, हिमाद्री है। तो अभी इन research bases का देखना, कुछ तो इसमें से abandon कर दिए गए, पर इनका देखरेख का काम करती है ये NCPOR, और इसने ये find out किया कि Arctic Sea का जो ice है, वो decline कर दिया है। अभी तक का इतना decline पिछले 40-41 सालों में नहीं देखा गया था। अच्छी खबर कहीं से तो आया भाई। वधावान पोर्ट कहाँ है? वधावान पोर्ट ये महाराष्ट्र में है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज गिवन ग्रीन लाइट टू वधावान पोर्ट, ये अब एस्टैब्लिश होने जा रहा है। वधावान विल बी सेट अप एज अ कॉर्पोरेट पोर्ट अंडर द कंपनीज एक्ट। इट वुड बी डेवलप्ड एज अ लैंडलॉर्ड पोर्ट। ये लैंडलॉर्ड पोर्ट क्या होता है? लैंडलॉर्ड पोर्ट होता है कि मतलब वो वहां पे एक पोर्ट होगा, उससे आसपास बहुत सारे और भी डेवलपमेंट्स होते हैं। इट वुड बी डेवलप्ड एज अ लैंडलॉर्ड पोर्ट विद द पोर्ट कंपनी बिल्डिंग द बेसिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी पोर्ट कंपनी बिल्ड करेगी इसको लैंडलॉर्ड, ठीक है। व्हाइल बर्थ्स, टर्मिनल्स एंड एसोसिएटेड फैसिलिटीज विल बी कंसीडर्ड बाय प्राइवेट फर्म, बाकी सब प्राइवेट मॉडल पर, यानी पीपीपी मॉडल पर डेवलप होगा। इन द लैंडलॉर्ड मॉडल, लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल, द पब्लिकली गवर्न्ड पोर्ट अथॉरिटी एक्ट्स एज अ रेगुलेटरी बॉडी एंड द लैंडलॉर्ड व्हाइल द प्राइवेट कंपनी एज द लैंडलॉर्ड व्हाइल द प्राइवेट कंपनी कैरी आउट पोर्ट ऑपरेशंस मेनली कार्गो हैंडले एक्टिविटीज, यानी जो सब्सिडियरी सर्विसेज है उसको दूसरों को दे दिया जाएगा और जो मेन पोर्ट का एरिया है वो पोर्ट का डेवलपमेंट खुद वो कंपनी करेगी जो मदर कंपनी है, जो लैंडलॉर्ड कंपनी है। वधावान पोर्ट महाराष्ट्र में। डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, इसके बारे में मैंने कहा कि चाइना की ये जो डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी चल रही है इसको थोड़ा सा समझा जाए कि ये क्या है और कैसे हो रहा है। इसको बहुत ब्रीफ में, इतने ब्रीफ में शायद इसको समझा पाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसमें आपको समझा पाऊँ। डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी इज डिफाइंड वेयर अ क्रेडिटर कंट्री इंटेंशनली लेंड्स एक्सेसिव क्रेडिट टू अ स्मॉलर डेटर कंट्री, यानी जो क्रेडिटर कंपनी है वो डेटर कंपनी को एक्सेसिव बहुत जानबूझ के लिए भाई पैसा चाहिए और ले फंसा चला जाता मेरे ख्याल में, विद द इंटेंशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसेशंस व्हेन स्मॉलर कंट्री कैन नॉट सर्विस लोन। जब आप लोन या इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे तो आपको ऐसे होता ना कि पहले क्या होता था, लैंडलॉर्ड क्या करते थे, सारा आपको पैसा देते थे, सर्व्स को पैसा देते थे, सर्व्स क्या करते उसको पैसा लेते जाते लेते जाते क्योंकि उनका खर्चा नहीं चलता था, उनका बहुत कम अर्निंग थी। अब इतना पैसा ले लिया उन्होंने, सब कुछ गिरवी रख दिया, गिरवी रखने के बाद अब वो उनके खेतों में जाके गुलामी करना शुरू करते, उनका खेत खलिहान सब बिक जाता था। बिल्कुल उसी तरह की डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी चाइना कर रहा है छोटे छोटे देशों के साथ। इंडिया अभी इसमें नहीं फंसा था, इंडिया क्योंकि छोटा देश नहीं है बॉस। द सेम इज बीइंग डन बाय चाइना वेयर इट इज डिस्पेंसिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ कंसेशनल लोन्स रादर देन थ्रू ग्रांट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज, मोस्ट ऑफ देयर लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू गेन इन्फ्लुएंस अक्रॉस द वर्ल्ड। दीज डेवलपिंग नेशंस आर अनेबल टू कीप अप विद द रिपेमेंट्स एंड चाइना देन गेट्स अ चांस टू डिमांड कंसेशन और एडवांटेजेस इन एक्सचेंज ऑफ डेट रिलीफ। जैसे कि अभी श्रीलंका में देखा गया, श्रीलंका वाज फोर्स्ड टू हैंड ओवर द कंट्रोल ऑफ हम्बनटोटा पोर्ट प्रोजेक्ट टू चाइना फॉर 99 ईयर्स। अब उसको लीज पे साइन कर दिया, दे दिया, अब वो वहां पे यूज करेगा उसको, वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई पूरी तरह से। तो इस तरह से लालाजी कंगन लेकर के, और समझ रहे हो ना, ये बहुत बड़ा डेप्ट ट्रैप फैला रखा है पूरे इंडियन ओशन रीजन में।
चाइना को क्या बॉयकॉट करा जाए? बॉयकॉट करने की बात हो रही है चारों तरफ से, चाइना को बॉयकॉट करना कितना आसान है, कितना टफ है, इसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। हमारी डिपेंडेंसी देखी जाए चाइना पर कहां कितनी है। सोलर पावर जनरेशन इज डिपेंडेंट लार्जली ऑन चाइनीज सोलर सेल्स। हम जितना बहुत बड़ी बड़ी डींग हांक रहे हैं कि हम सोलर एनर्जी से 40% अपनी ऊर्जा उत्पादन करेंगे 2030 तक, ये सोलर पैनल हम चाइनीज यूज कर रहे हैं, उसके मॉड्यूल्स हम चाइनीज यूज कर रहे हैं। अगर हम देख लिया जाए कि कुछ थर्मल यूनिट्स को छोड़ दिया जाए पिछले कुछ डेकेड्स में, बाकी सारे जितने थर्मल यूनिट्स हैं सब चाइनीज इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। हाँ, हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांगली स्टेप ले रही है, भेल गे और जितने भी BHIL इन सबको मिला करके कि वो लोग इन सब इक्विपमेंट्स की सप्लाई शुरू करें, पर अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया। शेयर ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट इन स्मार्टफोन में अगर देखा जाए, स्मार्टफोन में हम लोग फोन यूज करते हैं, अब यकीन नहीं मानिएगा, अभी मैंने भी कोशिश किया कि सारे चाइनीज ऐप उड़ा दूं, पर चाइनीज ऐप उड़ाने गया तो देखा मैंने सारे चाइनीज ऐप उड़ा तो दिया, पर जिस फोन से उड़ा रहा हूँ वो फोन ही चाइनीज है। आप इमेजिन करो कि स्मार्टफोन के मार्केट में 70% चाइना डोमिनेटेड फोन है, वो चाइना से आए हुए। स्टार्टअप फंडिंग, अभी हमारे यहाँ जो स्टार्टअप का इतना बड़ा बूम आया हुआ है ना, इसमें पैसा कहां से लगा है? चाइना से सारा फंड लगा हुआ है, चाइना के टेक जायंट्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा डाल रहे हैं स्टार्टअप्स में। जैसे बिग बास्केट को देख लो, मैक्सिमम चाइना से आया है, बायजू मैक्सिमम चाइना से इनको फंड मिला है। तो कहा जाए कि जितने भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उसमें ये लोग फंडिंग कर रहे हैं, तो ये सब पैसा हम कैसे बॉयकॉट करेंगे चाइना को, हमें सोचना पड़ेगा इस पर। गवर्नमेंट अप्रूवल मेड मैंडेटरी फॉर FDI फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। अगर कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि पहले सरकार से पूछो फिर जाना। ये बड़ी अच्छी काम, बड़ा अच्छा काम किया है ये चाइनीज की, मतलब ट्रैप में फंसने से पहले के अलार्म हम लोग को मिल गया कि नहीं भैया हमें नहीं फंसना है। चाइना कर्बिंग अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर्स, एक्विजिशन ऑफ इंडियन कंपनीज, वो बहुत सारा पैसा, क्योंकि कंपनियां इसमें पैसा के लिए मतलब कैश स्ट्राइक है, उनको पैसा चाहिए, तो चाइना क्या कंपनियां जो है उनकी टेक कंपनियां वेंचर कंपनीज क्या कर रहा है, पैसा डाल दे रहे हैं और उस कंपनी में धीरे धीरे स्टेक ज्यादा से ज्यादा लेकर के उसका टेक ओवर कर ले रहे हैं। तो ये नहीं होने देना है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया पैसा लाओ, ठीक है मेरे से अप्रूवल लेकर तब पैसा लाओगे। इंडिया इज कंसिडरिंग प्लेसिंग टाइटेस्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोर्ट ऑफ 371 आइटम्स ranging from toys and plastic goods to electronic drugs, 4G equipment etc. इन सब पर हम लोगों ने restrictions लगा दिए हैं, बहुत tight norms कर दिए हैं। देखा जाए हम अपने आप को आत्मनिर्भर कितनी जल्दी बना सकते हैं। India will continue to treat China as a non-market economy, which allows it to impose steep anti-dumping duties on imports from China. ठीक है, तो ये non-market economy हमने treat किया है, जिसकी वजह से हम anti-dumping duties उसके ऊपर थोप सकते हैं। इकोनॉमिक्स का एक और कंसेप्ट है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स, QIPs। रिसेंटली सेबी हैज अलाउड कंपनीज टू रेज फंड्स एट शॉर्टर इंटरवल्स बाय चेंजिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स रूल। ये QIP रूल्स को थोड़ा सा चेंज किया सेबी ने, ताकि जो कंपनीज हैं वो फंड अवेल कर सके, शॉर्ट टर्म शॉर्ट इंटरवल शॉर्ट टर्म लोन्स ले सके। QIP क्या है? QIP इज अ कैपिटल रेजिंग टूल। ये कैपिटल रेजिंग टूल है वेरी अ लिस्टेड कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर, कि अपना इक्विटी शेयर देकर के पैसा ले सकता है, अपना शेयर देकर के पैसा ले सकता है, अपना शेयर बेच करके पैसा ले सकता है। कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर्स फुल्ली एंड पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स शेयर्स डिवेंचर्स और एनी सिक्योरिटी अदर देन वारंट्स। वारंट को छोड़कर जितनी भी सिक्योरिटीज हैं वो रिलीज करके पैसा इन्फ्यूज करवा सकता है। डेटा कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। अनलाइक इन एन IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब IPO रिलीज होता है और एन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स EPO जिसको FPO जिसको बोलते हैं, ओनली इंस्टीट्यूशंस और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIBs कैन पार्टिसिपेट इन द QIP। QIP में सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, सब लोग वो शेयर नहीं खरीद सकते हैं। IPO कोई भी कॉमन आदमी खरीद सकता है, या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है उसको भी कोई कॉमन आदमी खरीद सकता है, लेकिन इसमें केवल इंस्टीट्यूशंस और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जिसको QIBs कहते हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये रूल गाइड होता है QIP से, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। A qualified institutional placements is at its core a way for listed companies to raise capital without having to submit legal paper to market regulator. यानी सेबी को सब कागज जमा करने से जो टंटा लेना वो टंटा ना लेकर के ये डायरेक्टली मार्केट से इस तरह से पैसा उठा सकता है। इट इज कॉमन इन इंडिया एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी. प्लीज डू सजेस्ट सम मेजर्स सो दैट हम लोग और इंप्रूव. हम लोग ऑनलाइन आने वाले हैं, बहुत जल्दी ऑनलाइन आएंगे, लाइव आएंगे, लाइव क्लासेस देंगे. एक घंटे का हम लोग फिक्स टाइम, हमको टाइम सजेस्ट करो. मॉर्निंग का टाइम ज्यादा बेनिफिशियल है या रात का टाइम ज्यादा बेनिफिशियल है, हम लोग उसमें करंट अफेयर्स लेकर आएंगे लाइव एक घंटे का. क्योंकि ये छोटे में नहीं हो पा रहा है, हम वो सारी डिलीवरीज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा तो वो आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है. तो हम लोग लाइव क्लासेस में जाएंगे ताकि आप लोग जुड़ करके रेगुलरिटी बेसिस पर उसको कर सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग विद इजी. 1 जुलाई से हम लोग लाइव लेकर आएंगे. थैंक यू सो मच.